नमस्तेभ्यः ओम नमस्तेभ्यः अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की समस्त आचार्य संघ की प्राय ये बात समझ में नहीं आती। चाहे आज हो चाहे कल हो, अतीत का वे भी कोई दिन हो, किंतु इनके ऊपर विश्वास ही करना आवश्यक होता है। वह क्या विश्वास है? विश्वास करना कब पड़ता है इसके बारे में सोचो तो ज्ञात हो जाएगा। जब हमारी बुद्धि काम नहीं करती है और हमारे कोई भी इंद्रिया उसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर सकती है, वहाँ पर विश्वास करने की आवश्यकता पड़ती है। चाहे मोह मार्ग में हो चाहे मोक्ष मार्ग में हो। महाराज जी भरोसा कैसे करे? अब ये बताओ, दुनिया के काम बिना आप बिना भरोसे के कर रहे हैं आप? आप लोगों के लिए क्या भरोसा देते हैं? कौन कौन देता है मुझे बताओ? भरोसा कहाँ पर नहीं होता? विश्वास कहाँ नहीं होता? विश्वास तो रखना पड़ता है। ये आकुलता तो यही नहीं, ऊपर तक चलने वाली है, क्योंकि हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही, कर भी नहीं सकती। कोई भी व्यक्ति उस ज्ञान की बात समझना चाहता था, जो इसका अधिकारी है उसको जाकर के पूछता है, आपने अपने जीवन में यहाँ तक अध्ययन करके कुछ पाया, उस अनुभव के कुछ क्षण हमें भी मिल जाए। मित्र है तोड़ करके तो जवाब नहीं दिया जा सकता, उसकी जिज्ञासा है, हरा भी नहीं जानता और वह अनुभव की बात पूछ रहा है। हाँ मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा है। जब आपको ये ज्ञात ही नहीं है कहाँ से वो प्रारंभ होता और कहाँ उसका अंत होता है, लेकिन फिर भी जिज्ञासा तो जिज्ञासा है। नहीं करना है क्या महाराज? मैं कहाँ कह रहा हूँ आपको, नहीं कहने से तो और ज़्यादा प्रश्न उठेंगे। लेकिन ऐसे स्थिति में वो क्या बताएगा? वो ये बताएगा, वहाँ तक जहाँ पर मैं हूँ वहाँ तक आने के लिए ये रास्ता है, आप इसको तैयार करो। महाराज आपके लिए 15-16 साल लग गए तो अब हमारे लिए कितने लगेंगे? नहीं नहीं, यह 15 साल 16 साल की कोई आवश्यकता नहीं,
आपकी जिज्ञासा इतनी तगड़ी है, संभव है अल्प समय में भी आपको वह बता सकते। 16 वर्ष ही अनिवार्य है? नहीं, लेकिन कुछ न कुछ तो उसमें प्रवेश करने के लिए चाहिए। तो प्रवेश तो आप थोड़े बहुत कर लोगे, लेकिन उस अपारता का अनुभव आप कैसे करेंगे? न तैरना जानते हैं, न डुबकी लगाना जानते हैं, और आप उसके तरस्पर्शी ज्ञान चाहते हो, कैसे हम बताएं? फिर भी आप थोड़े बहुत हमें शांति मिल जाए, मान्य रूप शांति हो तो देख लो, उसको संतुष्टि यदि उसमें हो जाते है तो ठीक है। आप लोग बताओ, वैद्य लोगों के पास आप जाते हैं और उनसे पूछते हैं, भैया हमारी ये शिकायत है, ये ठीक हो सकता है कि नहीं? ठीक तो हो जाएगा, लेकिन जैसा मैं कहूँगा वैसा करोगे तो हो जाएगा। मैं तो कुछ जानता नहीं है। हम जानते तो नहीं, ये भी मैं जानता हूँ, और मेरी वैद्य की विद्या आप जानना चाहें तो कम से कम कितने साल लगेंगे? परीक्षाओं की अपेक्षा से भी वर्षों लगेंगे। आपने किसको किसको दवाई दी है बताइए? उनको भी दी, उनको भी दी, उनको भी दी, उनको भी दी, सब ठीक हो गया? सब ठीक हो गया ऐसे सुनने में आया। मुझे दवाई दोगे और विश्वास दिलाओ कि यह ठीक हो जाएगा? विश्वास दिलाना बहुत कठिन है। मैं विश्वास तो नहीं दिला सकता, कि इसलिए विश्वास करने की बात होती है, विश्वास लेन देन की बात नहीं होती। बहुत अच्छा, जो बात लेन देन की नहीं है और उसमें हमारी बुद्धि काम नहीं कर सकती, तो वहां पर तो आंख बंद करके ये तो अंधविश्वास हो जाएगा। सुनो वैज्ञानिकों, विश्वास हमेशा हमेशा अंधा ही होता है। भगवान ने जो देखा है वह सही है। सही कैसे आपने कहा? क्योंकि उनके पास कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, अज्ञान नहीं। राग द्वेष के पक्ष रखते हो तो आपके ऊपर लोग अविश्वास कर सकते हैं, और यदि आप राग द्वेष नहीं करते हैं तो भी आपके सर्वज्ञत्व की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे आपको यहाँ पर उपलब्ध हुआ वह, उसी प्रकार आप लोग भी चलेंगे। विश्वास मार्ग यही है, लेकिन मंजिल में जो जाकर के बैठा हो उसको पूछो तो वो ये कहेंगे, भैया एक सीढ़ी से प्रारंभ कर दो, ये मंजिल बहुत सारे हैं, लेकिन एक के बाद एक कदम रखते जाओगे, एक एक माला, माना समझते हो, खंड जिसको बोलते हैं, वो पार करते करते जाओगे, तब कहीं जा करके अंतिम मंजिल तक पहुंच पाओगे। लेकिन ये ध्यान रखना, मैं वहां पर बैठा हूँ ये दिख तो रहा है,
लेकिन वहाँ पर जाने के लिए भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, उसमें कोई कमी हो जाए बहुत कठिन है। अब एकाद सीढ़ी पर चढ़ता है, समझ में बात आने लग जाती है, इधर उधर देखेंगे तो चक्कर संभव आ सकता है। इसलिए अब कहाँ देखें, नीचे नहीं देखते किंतु ऊपर के भरोसे पर चलो। नरसेन के ऊपर चढ़ते चढ़ते गए, तब कहीं जाकर के उसे लगा है, जिसको हम जानना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, वहाँ तक स्वयं को ही जानना पड़ता है। अनुभव किसी का किसी को दिया नहीं जा सकता। एक धारणा पक्की बना दो, दूसरे के अनुभव के कुछ नोट्स आप ले करके आज परीक्षा देते हो, और पाठ्यक्रम जो रखा है उसको कभी देखते नहीं हो, क्योंकि निर्देशिका के ऊपर तो आपका विश्वास है, पाठ्यक्रम के ऊपर नहीं। ऐसे क्यों? ये दुर्लभ है, होना बहुत कठिन है। यद्यपि इसी में से प्रश्नावली आती है उसमें, किंतु इसके अध्ययन से जो अनुभव होने लग जाता है वह उस निर्देशिका से नहीं उत्पन्न होता। इसलिए जब हम पढ़ते थे लौकिक विद्यालय में, उस समय निर्देशिका या पत्रिका या मैगजीन आदि आदि कोई बहुत कम लोगों के हाथ में आ सके, और शिक्षक लोग कहते थे उनकी ओर नहीं देखना, उनको पढ़ना नहीं। नहीं, वो निर्देशक है, अभी निर्देशन के योग्य नहीं हो आप, अभी तो बोध दिया जा रहा है उसी को पढ़। आज सबसे ज्यादा कमी यदि हो रही है बच्चे शिक्षक को भी निर्देशन देना प्रारंभ हो चुका है। इसलिए आपको भी गर्व होने लग जाता है, हमारा बेटा शिक्षक को भी देता, नहीं समझी सिर फिरा हुआ होगा, नहीं समझे, उनको जो अनुभव है वो बताने की बात नहीं है, किंतु वहाँ तक जाने का रास्ता तो दिया जा सकता है। तो थर्मामीटर के द्वारा देखा, क्या देखा, ज्वर नापने का यंत्र माना जाता है, और 105 डिग्री वाला ज्वर है, ये ज्ञात हो गया, लेकिन उसको अनुभव नहीं हो रहा, क्योंकि अभी तक ज्वर क्या होता यही उसको मालूम नहीं था। थर्मामीटर में क्यों आया वो, जिसने थर्मामीटर में क्यों नहीं आया, तो वो एकदम दिमाग में नहीं आता, नहीं समझे, एकदम दिमाग में नहीं आता। हाँ, नाड़ी के माध्यम से यदि देख लेते तो अवश्य आ सकता, लेकिन नाड़ी कैसी देखी जाती है इसको भी पढ़ना पड़ता है। आज यह सारे के सारे साधन लुप्त होते जा रहे हैं, और हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए जो विश्वास चाहिए, भरोसा चाहिए, वह हमारे पास नहीं आ पा रहा है। अब 100 डिग्री 105 डिग्री बुखार है,
उसको देखा तो उसी को पूछो, इसको क्यों पूछते हो? कुछ सिर दर्द वगैरह हो रहा है? हाँ सिर दर्द तो बहुत ही ठनक रहा है, और कुछ कमर वगैरह में भी बहुत ही है, ऐसी है हालत, न उठ सकता न बैठ सकता न चल सकता हूँ, न भोजन की इच्छा होती है। क्यों, भोजन की भूख नहीं है क्या? भूख मर सी गई है। अब ये बताओ हमें क्यों हुई? ये उसी का परिणाम है। इस परिणाम का अनुभव वेद्य नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी इसमें क्या वेदना हो सकती है, वो नाड़ी के माध्यम से उन्होंने समझ लिया है। आज धीरे धीरे आप लोग नाड़ी सीखना अनिवार्य है, समझ लो। और अपनी यदि आप चिकित्सा स्वयं करना चाहते हैं तो वह जैसे पथ्य बताता है औषध के साथ उसका सेवन करना प्रारंभ कर दो। और यदि पथ्य करते हैं तो दवाई लेने की भी कोई पथ्य सती किम भिषाक, पथ्य असती किम भिषाक। यदि हम पथ्य लेते हैं तो भिषक औषध की या वेद की कोई आवश्यकता नहीं है, और यदि नहीं लेते हैं पथ्य नहीं करते हैं तो भी औषध की और वेद्य महाराज की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि रोग तो औषध के साथ पथ्य लेने से ही ठीक होता है। आज के विज्ञान के युग में ये भरोसा कम होती है। स्वयं ही दूसरे ने क्या लिया उसको देख करके चालू करते हैं कई लोग, ठीक हो जाएगा। कितनी गोली लेते हैं आप? 5। अच्छा हम 6 ले लेंगे तो ठीक हो जाएगा। आप कितनी बार लेते हैं? 2 बार लेते हैं। हम 3 बार लेंगे तो ठीक और ठीक हो जाएगा। ये बता देना कितने दिन हो गए आपको? हमारे लिए 1 महीना हो गया। अब थोड़े से माथा ठनकने लगा तो आप 2 महीने ले लो। बीच में कितनी बार जा रहा हूँ वहाँ पर, आप ही जा करके आ जाओ, बता दो तो उसी के अंतर मैं कर लूँगा। ये आज चल रहा है प्राय, आपको अच्छा लगता है क्या? लेकिन यही कर रहे हैं सब लोग, सभी लोग यही कर रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि यहाँ पर नहीं पहुँचती वहाँ पर दूसरे की राय लेना पसंद नहीं करता। दुनिया इसमें दुखी है। कोरोना आ गया था, 2 साल उसकी अच्छी अवधि रही है। दुनिया में कोई भी ऐसे देश नहीं है, सब देशों ने अपने अपने ढंग से उसकी निदान बताए, लेकिन कोई सफल नहीं हुई है। फिर भी कहते हैं नहीं हमारा तो निकाला हुआ है, बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, सब अपने अपने बहुमत बना करके चला रहे हैं। ये भी पहले से ही भविष्यवाणी हुई है, 2 साल तक इसके ऊपर कुछ होगा ही नहीं, चाहे अमेरिका हो चाहे रूस हो या और कोई भी हो, इतना तो समय लगेगा। फिर भी दवाइयाँ तो सबकी चालू हैं, किसकी लागू हो रही है हमें कोई भरोसा नहीं है। तो बिना भरोसे भी इस प्रकार वैज्ञानिक युग में काम हो सकते हैं। विज्ञान के लिए यह सहन करना बहुत कठिन है, लेकिन व्यवसाय के क्षेत्र में जब यह हो रहा है
तो सब कुछ चल रहा होता है। ज़्यादा न कह करके बुद्धि को वहाँ पर पहले मत ले जाओ, किंतु कुछ मंजिल की ओर कदम रखना प्रारंभ कर दो, तब कहीं जाकर के कालांतर में आपको सफलता मिल सकते। हर क्षेत्र में ऐसे ही, आंख बंद करके कैसे चले महाराज, चलना नहीं होता, दवाई लेते समय आंखें बंद कर दी जाती है, नहीं समझे, ज़्यादा हो उल्टी होने की संभावना है तो क्या होती है, ऊपर से औषध ले लो और एक हाथ से पानी भी पी लो तो चला जाए, वो अपना काम अपने समय पर दवाई करेगी और आप स्वस्थ हो जाओगे। लेकिन भरोसा यदि नहीं रखते उस दवाई के पर, न आज कल्याण हुआ न ही कल, नहीं बुद्धि में आ जाएगी बात, आ ही नहीं सकती। मुनि महाराजों को भी यही करना पड़ता, बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, उन लोगों ने भी इस पथ का अवश्य पालन किया है। पथ का अर्थ, चलने जब जाते हैं उस समय पथ क्या होता मालूम पड़ता है, कि पथी पथ में जो लिया जाता है उसका नाम पथ होता है। इसलिए आप लोगों को पथ का अवश्य बोध कर लेना चाहिए और उसका सेवन भी कर लेना चाहिए और दवाई का भी सेवन कर लेना चाहिए, किंतु निर्देश का जैसे अपने आप बनी हुई गोलियां हैं वो नहीं लेना चाहिए। ये गोलियां शुगर कोटेड भी होते हैं, भीतर क्या डलता है भगवान ही जानते हैं, भगवान बनने के उपरांत मालूम पड़ेगा इस गोली में क्या क्या डला है। वो चतुर्युग है और उस युग में आप आए हो, भरोसा को अच्छे ढंग से व्यवस्थित रखो, उसमें किसी प्रकार की हवा दूसरे की न लगे। बनती कोशिश किसके ऊपर भरोसा रखना ये भी किसी के सामने रखो नहीं, नहीं तो सब भरोसा बंद हो जाएंगे। इसलिए भरोसा के लिए किसी को पूछना नहीं चाहिए, जिसको एक को तैयार किया उसी के ऊपर विश्वास रख करके अंतिम क्षण तक वो लेओगे, निश्चित सफलता मिलेगी। क्योंकि मोक्ष मार्ग में सही दिशा में जो चलता है उसे अवश्य ही एक दिन उससे मुक्ति मिल जाती है। अहिंसा परमो